अब आपको बताते हैं कि सावरकर को काला पानी की सजा क्यों मिली थी और वो सेलुरल जेल से आजाद कैसे हुए थे। सावरकर को साल 1910 में नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने के आरोप में लंदन में गिरफ्तार किया गया। सावरकर को भारत लाया गया जहां ब्रिटिश अदालत ने उन्हें 8 अप्रैल 1911 को 25-25 साल की दो अलग अलग सजा सुनाई। 4 जुलाई 1911 को सजा काटने के लिए सावरकर को अंडमान के सेलुरल जेल भेज दिया गया। तब सावरकर 28 साल के थे। अगर वो सजा पूरी करके जेल से जिंदा लौटते तो 78 साल के हो जाते। सेलुरल जेल में रहते हुए सावरकर ने 6 बार अंग्रेजों को माफीनामा भेजा। आखिरकार सावरकर काला पानी की 9 साल 10 महीने की सजा काटने के बाद रिहा कर दिए गए। मई 1921 में सावरकर को अंडमान से भारत भेज दिया गया। वो अगले 3 साल तक पुणे की यरवडा जेल में रहे। जेल के रिकॉर्ड में सावरकर की रिहाई की शर्त दर्ज है जिसके मुताबिक सावरकर ने ब्रिटिश हुकूमत को लिखा कि अगर उन्हें रिहा किया गया तो वो भारत की आजादी की लड़ाई छोड़ देंगे और हमेशा अंग्रेज सरकार के वफादार बने रहेंगे। बाद में सावरकर ने कहा कि अंग्रेजों को माफीनामा उनकी रणनीति का हिस्सा थी। वो जेल से बाहर आकर आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देना चाहते थे। तो ये इतिहास है सावरकर की काला पानी की सजा का और उनके वहां से छूटने का। सावरकर के काला पानी में बिताए करीब 10 सालों के आधार पर ही बीजेपी और शिवसेना उन्हें वीर सावरकर के नाम से पुकारती है।